सो हे गाइस, वेलकम बैक टू आवर चैनल पायलव अनुराग। तो आप लोग कैसे हो? आई होप आप लोग अच्छे हो। के मैं भी अच्छी हूँ। ये टकली भी अच्छी है और तो, ये भी अच्छे तो गाइस आज है मंडे और आज है हमारे भोलेनाथ का दिन। तो आज पायल पूजा करेगी, सुबह नहा ली और हम तो सुबह 6 बजे ही उठ जाते हैं। तो ये उठी आज 9 बजे और आराध्या हर हर महादेव कर दो। 9 बजे उठते तो काम आप करते बाबू। तो ये उठ गई है मेरा रानी बिटिया और ये अभी जा रही है बाहर पूजा करने। दिखाते हैं, तो पहले जाएगी अभी मंदिर साफ करने। तो अभी मंडे वनडे को बहुत फोकस देने लगी है, खाना पीना में भी और पूजा पाठ में भी। ऐसे ही करते रहे भोले बाबा हमारा बीवी को और ज़्यादा हेल्दी बनाए और तंदुरुस्त। तो साफ कर लो, आगे का ब्लॉग पायल बना लेगी। हम जा रहे हैं दुकान। चलो बाबू दुकान जा रहा, साफ कर लो। पानी आया नहीं डील करने? कर डील हुआ? हाँ। अच्छा पाइप लगाना है, ठीक लगा है। ओके तो चलो हम लोग। के कहाँ पे? सो गाइस, जैसे कि अभी हम घर पे गए थे तो पायल घर पे है नहीं। सुबह में पूजा वूजा करके वो निकल गई है अपने घर की तरफ, क्योंकि उसके शायद पापा बुलाए थे तो वो गई अपने घर। तो हमको फ़ोन करके बोली, बाबू हम घर आ गए अपने, तो आप एक काम करो मेरे घर आओ, वहीं से हम लोग थोड़ा इस प्लेनेट चले जाएंगे। तो वही अभी जा रहे हैं उसको लाने, उसको वहीं से लेके उसको पिकअप करके वहां से हम लोग चले जाएंगे मेट्रो, फिर वहां से जाएंगे इस प्लेनेट। देखते हैं होली के लिए कुछ कपड़ा अगर कुछ अच्छा लगा तो लेंगे, या तो फिर नहीं ऐसे ही जाके घूम के वो मार्केट वगैरह देख के। और थोड़ा मेरा काम भी है, मेरा दुकान के सामान, मेरा दुकान का कुछ सामान है वो न्यू मार्केट से लेना है तो वो लेंगे। तो अभी जा रहे हैं पायल के पास, चलिए आप लोग भी देखते हैं कहाँ कर रही है घर पे। तो गाइस आ गए हैं उसके घर के तरफ और आपको दिखाते हैं एक मिनट। तो गाइस ये पायल लोग का मंदिर है और ये मेरे ससुर जी बैठे हैं और ये लोग का घर का गली है। वो इसके बाद ही उसका, ये उसका बड़ी मम्मी का घर है। और तो गाइस ये है पायल का घर और अभी गेट खुला है और अभी हम अंदर जाएंगे, जाके देखेंगे क्या कर रही है। तो गाइस चलते हैं, देखते हैं क्या कर रही है वो। तो नीचे का घर में कोई है नहीं, वो बोली थी कि ऊपर वाला घर पे आने। चलिए देखते हैं क्या कर रही है पगली। ओ बाबा, स्वाइस देखिए लोगों इसको पूरा भरम जी। ओ देखे दारुण लग छे भाई जी। देखिए इसका ड्रेस अब इस प्लेनेट जाने के लिए। ओ अच्छा, इसीलिए आप हमको बोले ब्लैक ब्लैक पहन के आना। सो गाइस यार बहुत जावर तोड़ लड़की, ये हमको हम समझ नहीं पाए वो क्यों बोली ब्लैक प्लेनेट पहन के आने। तो ये रेडी हो चुकी है गाइस, बताना कमेंट करके कैसा लग रही है। तो गाइस अभी चलते हैं हम लोग सिटी से, चलिए देख के उतरना। गाइस आप लोग सीधा ऑटो में मिलते हैं, ठीक है? चलिए तो गाइस रवाना हो चुके हैं हम लोग अभी जाने के लिए और सीधा ऑटो में मिलते हैं। ये पीछे वाले रास्ते से जा रहे हैं बाबू। हाँ। और हमको भूख लगा था तो इसलिए एक फ्लैट में हम लोग मिलते थे। हाँ गाइस दिखाते हैं सबसे अच्छा जगह, रुकिए एक मिनट में। वो उसका वहाँ पर वो फ्लैट घर उसका, और आपको हम बता रहे हम लोग कहाँ मिलते थे। हम लोग ये यहाँ से आती थी और हम वो पीछे वाले रास्ते से आते थे, आपको दिखाते थे गाइस ये गली ये गली। चलिए आपको दिखाते, ये रहा ये गली, ये गली पे हम लोग मिलते थे। ये दुकान आती थी, लोग भी नहीं जान पाते थे। ये दुकान आती थी, ये दुकान आपको दिखा रहे गाइस, ये दुकान आती थी ये, ठीक है ये अंकल का, और यहाँ पे हम लोग मिलते थे। मतलब कि तो भाई ऐसा ही दिन था, मतलब क्या ही बोले। और यार ये गली आके पर एक पुराना याद ताज़ा हो गया। देखिए पकड़ो नहीं चलक, सब खाने में नजर आता, ब्लॉग बना रहे दिखाई नहीं दे रहा, खाने में नजर चल गया इसका। मैं कैसी लग रही हूँ? सुबह में पापा हमको बुला लिए थे तो इसलिए मैं यहाँ चली आई थी, इसलिए इसको बोल दी थी कि बाबू आप वहीं पे आके नहीं खाओगे तो आपको सांस फूल रहे, खा लो।
ये हमको हमेशा भैंसी भैंसी बोलते हैं, मैं अच्छी नहीं लग रही हूँ। आज कमेंट आएगा तो जरूर दिखा पूरा। ओ पूरा गोरमूस लग चुके। हम आपको पता है ब्लैक बोले थे पहनने के लिए। हम हमें क्या आप लोग ऑटो में बैठे बहुत देर हो। आप लोग खड़े सो गए तो? ऐसा नहीं है। भाई मेरा भाई। मार खाओगे? आज हमको बहुत खुशी आ रहा है कि मेरा हस्बैंड मुझे शॉपिंग कराने ले जा रहा है। ये बल्ले बल्ले से सो सो पागल हो। आप लोग ऑटो में मिलते हैं। हम लोग पागल हो। आई लव यू। भाई हम लोग ऑटो में बैठ चुके हैं। मेट्रो चलते हैं। मेट्रो तो मिलते हैं। मेट्रो तो हम लोग ऑटो से उतर चुके हैं और अब जा रहे हैं मेट्रो की तरफ। तो आप ही लोग चलिए। आप लोग चलिए। आइए 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 चलिए। ये मेरा हमेशा बेइज्जती क्यों करते हो बाबू? नहीं चलिए आप लोग चलिए आइए। फोन में से घुस जाइए आइए। तो भाई ये अभी गुस्सा हो गई है मेरे से क्योंकि उसको बोल दिए हैं तो मटक मटक के चल रही है नटकी। बवनी बवनी आया। सुनो सुनो चलो साथ में चलो। बदमाशी मत करो। चलो हाँ हाँ हाँ। अरे आप मेरे जाने मन हो। जाने मेरी जाने मन। बचपन का प्यार मेरा भूल मत जाना रे। हाँ मेट्रो में वहाँ पे पता क्या मिलता है? क्या मिलता है? मांस मिलो। कौन मिलो? छी मतलब अच्छा नहीं होता है बाबू। तो गंदा कीड़ा रहता। कीड़ा नहीं खाया जाता है बाबू। चलो भाई आगे आगे ऐसे चल रहे जैसे कि यही सब जानती है। पर आई पूछे कहाँ से टिकट काउंटर है कहाँ पे क्या है तो कुछ बता नहीं पाई। तो भाई कि हमारा है ये रेलवे टिकट काउंटर है दक्षिणेश्वर का और ये है मेट्रो टिकट काउंटर। पर अंदर चलते हैं देखते हैं। आज बाइक लेके आए नहीं वरना स्ट्रॉबेरी मिल रहा बाबू खाओगे क्या? चुप रहो ते बड़ा ही। चलो मेरे साथ आओ। गाइस आ चुके हैं मेट्रो और बवनी उठना दे। अभी कैसे उठी के देखना बवनी। हाँ ए ए ए ए गिरी। अभी जा रहे हैं हम एक सीढ़ी नीचे जा रहे हैं ठीक है। शॉपिंग चप्पल खरीदेंगे चप्पल ठीक है। वाओ वाओ आओ जाओ टिकट करा के लेके आओ। लाइन पे खड़े रहो जाओ। तो आज बहुत ही ज़्यादा मेट्रो पे लाइन लगा हुआ पता नहीं क्यों क्या हुआ है और बहुत ही ज़्यादा लाइन है। और अभी सब टूरिस्ट आए हैं यहाँ पे घूमने पर इतना लाइन क्यों लगा हमको पता नहीं। तो आप जाओ मेरी जगह में लाइन दे दो। तो गाइस आप देख पा रहे कितना ज़्यादा लाइन है भाई। लो बोला दोस्त प्लेनेट आप लड़की हो ना आपको देख के जल्दी छोड़ देगा जल्दी जाओ। मेरा नसीब तो बहुत ही ख़राब था क्योंकि मेरा जहाँ पे हम लाइन लगाए थे वहाँ पे पिक नहीं हो गए। टिकट आ चुका है हमारे हस्बैंड। आप कैसे पता था आप लाइन लगा दिए थे पहले से? जब दो तीन जन आए ना तो तीनों जन एक एक लाइन में क्या समझ में आता है किसी को ना किसी को मैं कुछ नहीं। चलो सब समय खाने पीने का दुकान में इसका मैं आकर रहता चलो डाटा करो मारेंगे अभी चल नाटक करो मार देंगे। चलो क्यों इसमें जाओ बाबू। आगे चलो। तो आज एक फ्लोर और उठना है और यहाँ पे तो हीरो खड़ा आप लोग देख ही पा रहे हो पूरा पैंतरा में खड़ा था देख ही पा रहे हो आप। चलो आओ तो आ गए अभी हमारा मेट्रो। तो हमारा मेट्रो आ चुका है और अभी हम लोग चलेंगे इसी पे सवार होके। तो हाय अंकल कैसे हैं आप? आई होप आप अच्छे होंगे हम भी अच्छे हैं। प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा क्योंकि आपको मैंने वीडियो में लिया है इसीलिए क्या बाबू? तो चल बवनी जा रही है अंदर। वाओ तो आप बैठ जाइए मैडम हम यहाँ पे बैठ जाते हैं। और ये मेट्रो पूरा ही फाँका है अभी और ये दम दम जाते जाते पूरा ओवरफ्लो हो जाएगा मतलब। ओ सियाना हाय गाइस करो हाय गाइस। सो गाइस यहाँ से हमारा मेट्रो से व्यू देखिए यहाँ का
कितना खूबसूरत है यार, और ये व्यू तो और भी खूबसूरत है। मेट्रो से उतर चुके हैं और हम लोग इस प्लेनेट की तरफ बढ़ रहे हैं। चलो डायरेक्ट वहीं मिलते हैं, मार्केट में मिलते हैं। इस प्लेनेट में ही तो है। अरे इस प्लेनेट के आगे रास्ता। तो गाइस आ चुके हैं इस प्लेनेट और पायल अभी हमको छोड़ दी है क्योंकि उसको अभी अपना जीनिस दिखने लगा है, तो वो इधर उधर भाग भाग रही है। बाबू आए तो मेरे साथ हो ना, तो मेरे साथ रहो, कहाँ इधर जा रहे हो? मार्केट आने से लड़की लोगों से मार्केट दिखता है। गाइस इसका दांत देखिए खुशी से कितना निकला हुआ है, बहुत ज़्यादा ही खुशी हो गई लग रहा है। चलिए देखते हैं आगे जाके क्या क्या मिलता है। ये हमको छोड़ छोड़ के भाग भाग जा रही इधर उधर इधर उधर। एक तो बहुनी है नाटी है, खोजते खोजते फिर कहाँ गई कहाँ गई। और अभी जाके देखते हैं उसके अंदर, अभी जाके कपड़ा मार्केट के अंदर, वो अंदर जा रहे हैं देखते हैं वहाँ से कहाँ जाती है पगली। आओ पारो। तो हमको लगता है पायल एक बार फिर गिरेगी क्योंकि वो रास्ता देख के नहीं दुकान देख के चल रही है। अगर गिरेगी तो जरूर ब्लॉग में दिखाएंगे आप लोग को, देख लीजिए। पायल अभी पहले राधे रानी के लिए चप्पल ले रही है, तो देखिए वो बड़ा हो जाएगा बाबू। हाँ ये अच्छा लग रहा है, छोटा साइज होगा, सबसे छोटा साइज होगा। हाँ ये हो जाएगा पैर में उसका। हाँ हाँ हो जाएगा, बहुत ही अच्छा लग रहा है इसका। गाइस अभी हम लोग एक चीज़ देखे हैं जो बहुत ही अच्छा लगा देख के, तो अभी आज हम लोग को भेंट हुआ स्पाइडरमैन से, वो रहा मुंह घुरा के खड़े हैं, हम लोग से बात नहीं करने मांग रहे, बोल रहे हैं कि आप लोग कौन हो हम नहीं चिनते, इसलिए मुंह घुरा के खड़े हैं। तो देखिए फाइनली वो हमारे तरफ मुड़ गए हैं क्योंकि शायद हम लोग उनको पसंद आ गए हैं इसीलिए। तो हाय कर दीजिए, बहुत ही बड़े सेलिब्रिटी हम लोग देश का रखवाली करने के लिए आए हैं, वो अभी वहीं पर रह रहे हैं। आप लोग अगर अच्छा लगा हो तो आप लोग आइए आके मिल के जाइए, वो वहीं पे रहते हैं। और ये बड़का स्पाइडरमैन, ये बाप रे शेर चीता पहन के कहाँ जा रहे हो? कोई भी लो जो अच्छा लगे आपको ले लो। अभी स्कार्फ खरीद रही है, हम पहनेंगे क्या जो हमसे पूछ रहे हो? नाटक वाला बात, काका भी देखिए चचा भी वही बोल रहे हैं। हाँ हाँ हम पहनेंगे चचा, आप बोलिए हम पहनेंगे। हाँ हाँ इतना दूर आई हमको लेके स्कार्फ खरीदने। अच्छा चीज किनो जो हमको भी अच्छा लगे, नौटंकी वाला औरत लग रहा है फ्री में दे रहा है, इसे बोल रहा है 200 आइए 200। मेरे से छुप के जाके एक गिरेश के लिए यहाँ से क्या किनो देखी, ओ तेरी भैंस की आग, अच्छा लग रहा है, ठीक है पहनना अच्छा लग रहा था। देखिए रुको, चैन बड़ा हो गया, चैन छोटा करवाना ना। कोई ग्लासेस? देख लो भैंसी लोग बाबू, छोड़ दो हटा रहने दो। तो गाइस बहुत अच्छा खासा गर्मी आ चुका है, बहुत ही ज़्यादा गर्मी आ चुका है, बहुत ही ज़्यादा पूरा बदन जल रहा है। आप कुछ नहीं, नहीं हम कुछ नहीं लेंगे भाई, आप लेके खुश रहो बस, हम भी खुश रहो। चलो अब चलते क्या लोगे, देख लेते घड़ी ले लिए, स्कार्फ ले लिए, ये बाबू का चप्पल ना कस्टमर छिलो ना, ऐसा कुछ भी मिल नहीं रहा है। वो थोड़ा बहुत उसको जो मिला वो खरीदी है, और हम अपने लिए क्या ले समझ में नहीं आ रहा है, कुछ भी है नहीं। और देखते हैं, बाबू भी रो रही है, घर पे छोड़ के आए बाबू को, जाए घर की तरफ हम निकले। आज तक पायल एक कुर्ती लेगी बोल रही थी, पर उसको कुर्ती मिल नहीं रहा अच्छा कोई भी, तो अभी जा रहे आएगा तरफ, अगर चलते चलते मिल गया तो ले लेंगे, नहीं तो फिर घर चले जाएंगे। बाबू बहुत हो गया, कुछ है नहीं, आप किन भी नहीं रहे हो, चलो बेकार में। बहुत अच्छा अच्छा है, हाँ। पता है ना, ज़्यादा चीज़ देखने से इंसान को ज़्यादा समझ में नहीं आता, कंफ्यूज टाइप हो जाता है, इसीलिए कंफ्यूज नहीं हो ना आप, घर चलो, बाबू क्योंकि रो रही है, ठीक है। चलो मेट्रो चलते हैं, आप वहीं से कुछ निकल जाएंगे, ठीक है, चलिए। तो आज घर के तरफ, और आप लोग भी चले हमारे साथ,
फोन से अंदर घुस के। चलिए तो हम लोग आ चुके हैं मेट्रो स्टेशन, तो अब सीधा हम लोग घर जाके मिलते हैं, क्योंकि आराध्या रो रही है, उसकी दादी बोली फ़ोन करके, तो इसलिए हम लोग उतना शॉपिंग किए नहीं, इसलिए अब घर जा रहे हैं। तो हम बच गए, हम बच गए, जल्दी चलो घर चलो। तो गाइस आ गए हैं अपना स्टॉपिंग, सब अब घर की तरफ जा रहे हैं और बहुत ही ज़्यादा जल्दी जल्दी चल रहे हैं, क्योंकि बाबू बस इतना ही घर जाके बताएंगे, क्योंकि बाबू रो रही है तो मम्मी परेशान हो रही है, तो बोलिए जल्दी आओ, तो घर जा रहे हैं, घर जाके बात कर। तो गाइस घर आ गए हैं और आराध्या देख लिया कैसे चिपकी हुई है, क्योंकि बहुत देर से नहीं देखी मम्मी को। सॉरी बेटा, आज का ब्लॉग बस इतना ही। तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग पर। अगर हमारा ब्लॉग अच्छा लगा हो तो लाइक सब्सक्राइब और शेयर जरूर करें। हाय आराध्या, हाय कर रही है। तो वाइस अगर अच्छा लगे तो ज़्यादा से ज़्यादा प्यार देना बस, और सब्सक्राइब करें।